आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से खबर, जहां सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक हुई है। लापरवाही बरतने वाले 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें कि सुरक्षा में लगने वाली पायलट गाड़ी नहीं मिली और किसी और गाड़ी की पायलटिंग कर रहा था वाहन, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है 9 पुलिसकर्मी मुरैना के हैं और 5 ग्वालियर के पुलिसकर्मी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो दिल्ली से ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं और सुरक्षा में लगने वाली पायलट गाड़ी उन्हें नहीं दी गई। आपको बता दें सिंधिया को Z6 कैटेगरी की VIP सुरक्षा दी गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक हुई जिसके चलते 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो कंट्रोल रूम और पायलट वाहन का स्टाफ सस्पेंड हुआ है। बता दें सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक हुई जिसके चलते 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सौरभ लाइव जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सौरभ, एक तरह से कहा जाए एक चूक हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं दिल्ली से और उनकी सुरक्षा में चूक की गई जिसके चलते 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। क्या जानकारी है आपके पास इस खबर पर? जी हाँ शुभांगी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से ग्वालियर लौटते समय उनका जो फॉलो दूसरी गाड़ी का पीछा करने लगा, उनके साथ रहा, उसके बाद पुलिस कप्तान ने फॉलो गाड़ी की पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है और जो उनका कंट्रोल रूम स्टाफ था उनको भी सस्पेंड किया है। मुरैना के 9, 5 ग्वालियर के सस्पेंड पुलिसकर्मी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि सिंधिया जी जिस गाड़ी में थे, पायलट दूसरी गाड़ी उनको समझ रहा था, उस गाड़ी के पीछे कई किलोमीटर तक चला गया। जब सिंधिया जी ने किसी को लेकर कोई बात की, उसके बाद कहीं ये जानकारी मिली कि सिंधिया जी की गाड़ी के पीछे तो फॉलो चल ही नहीं रहा, सबसे बड़ी बात ये देखने वाली। उसके बाद सख्त कदम उठाया गया और 14 कर्मचारियों को ग्वालियर में सस्पेंड कर दिया गया, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और सिंधिया की VIP सुरक्षा होने के बावजूद भी बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। शुभांगी जी, सौरभ धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा में लगने वाली पायलट गाड़ी किसी और गाड़ी की पायलटिंग कर रही थी और कंट्रोल रूम और पायलट वाहन का स्टाफ अब सस्पेंड कर दिया गया। 14 पुलिसकर्मी इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए।